हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ परमानेंट नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी होने वाली है, तो इसकी आप जो है सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपने वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप ना छूट सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी की ये वैकेंसी है। न्यू दिल्ली इसकी लोकेशन रहेगी। 22/6/2022 जो है इसकी जो है नोटिफिकेशन रिलीजिंग डेट है और एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो 16/2022। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर फिलिंग अप ऑफ पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स पर डिटेल गिवन बिलो। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको जो है फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिटेल देख लेते हैं, नेम ऑफ पोस्ट स्टाफ नर्स, नंबर ऑफ पोस्ट, ए टाइप की पोस्ट रहेंगी, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ग्रुप बी की पोस्ट हैं, जनरल की 6 रहेंगी, OBC की 2। दिस पोस्ट इज़ सूटेबल फॉर 1 लाख अफेक्टेड कैंडिडेट, जो 1 लाख अफेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए सूटेबल है, अदरवाइज और भी इसको भर सकते हैं। लेवल एंड पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 44,900 आप से आपकी 1,42,400 आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 से आपकी ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल फॉर गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग एनोनिमस बॉडी एम्प्लॉयज़ एंड अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल आपको जो है इसकी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी और 30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपको क्या है मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास, और इसके साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन होनी कंपलसरी है। और BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ 50 बेडेड हॉस्पिटल का 6 मंथ का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। और जो GNM के कैंडिडेट हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। GNM के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, इनके पास जो है रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और सेकंड बात क्या है, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जैसे कि मैंने पोस्ट बेसिक और BSc नर्सिंग के लिए बताया। लेकिन एक्सपीरियंस की बात करें तो GNM के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांगा गया है। अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है GNM के बाद तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कैसे इसको फिल करना है। द डिटेल अबाउट अदर टर्म एंड कंडीशन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द काउंसिल। तो वेबसाइट पे आपको जो इसका लिंक मिल जाएगा, इसकी वेबसाइट है यहाँ पे, अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा www.ccrhindia.nic.in पे आपने सर्च करना है और वहाँ पे आपको सारा कुछ इस पर मिल जाएगा, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन कब तक आपके भरे जाएंगे, 29/7/2022 29 जुलाई तक के फिल किए जाएंगे। तो इसकी जो है अदर इन्फॉर्मेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, लेकिन किसी ने अगर ये फिल करना है तो बहुत अच्छी आपके लिए वैकेंसी होने वाली है, आप इसको फिल कर सकते हो। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।